आगे बढ़े और इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल कस्वा आज ज्वाइन कर सकते हैं कांग्रेस। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के आवास पर ज्वाइन कर सकते हैं कांग्रेस। आज दोपहर 12 बजे कांग्रेस का दामन थामने की संभावित यहां पर जो समय है वो बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है और भाजपा के लिए ये एक तरीके से कहा जाए तो झटका है, क्योंकि राहुल कस्वा शुरू से सांसद थे और टिकट जो है वो उन्हें मिलने की उम्मीद थी, लेकिन टिकट नहीं मिला। तो ऐसे में अब उनकी नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। खबर ये इस वक्त की बड़ी कि राहुल कस्वा जो है वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के आवास पर ये ज्वाइनिंग उनकी हो सकती है और 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है संभावित, जब वो कांग्रेस का दामन थामेंगे, कांग्रेस का हाथ पकड़ेंगे। तो एक तरफ जहां पर आज बड़ी संख्या में प्रदेश में जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, सीनियर लीडर्स, वो बीजेपी में ज्वाइन करने जा रहे हैं, बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल कस्वा वो आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी खबर है। ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी निजाम खंडालिया हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। निजाम, राहुल कस्वा कांग्रेस आज ज्वाइन कर सकते हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या संभावना इसकी नजर आ रही है? क्या वाकई राहुल कस्वा जो है वो कांग्रेस का हाथ थामने जा रहे हैं? बेसिक देखिए कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से परिस्थितियां बदली है राजस्थान में राजनीति को लेकर, कांग्रेस ने इसी वजह से जो पहली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी उसमें राजस्थान को लेकर मंथन नहीं किया, क्योंकि कई चीजें बदल गई थी। अब उस चीजों का राहुल कस्वा का लगातार ये माना जा रहा था कि वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। अब जो है अंदरखाने यही आ रही है कि आज 12 बजे के आसपास जो है राहुल कस्वा कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल राहुल कस्वा जो है आज सुबह ही दिल्ली पहुंचे हैं और वो दिल्ली में है इस वक्त, यानी आज संभवतया यही जानकारी सामने आ रही है कि आज सुबह माफ कीजिए दोपहर 12 बजे के आसपास जो है वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल अभी उनकी पर्दे के पीछे जो कह सकते हैं कांग्रेस नेताओं से लगातार उनकी बातचीत जारी है। पिछले 3 दिन से जो प्रभारी हैं राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, वो लगातार दिल्ली में जुटे हुए हैं। इस मामले में लगातार पर्दे के पीछे बात चल रही है। इसके साथ ही अगर बात करें जो बाड़मेर और नागौर जिले में जो गठबंधन होना था उसको भी लेकर बातचीत चल रही है। तो यानी सारी तमाम चीजें कांग्रेस जिस तरह से बीजेपी में आज कई आधे दर्जन नेता शामिल हो रहे हैं उसकी काट के चलते राहुल गांधी को जो है कांग्रेस ज्वाइन करा सकती है आज। बिल्कुल बिल्कुल निजाम। लेकिन निजाम देखिए, अगर ऐसा होता है, अगर राहुल कस्वा कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, तो ऐसे में चूरू से कितना नुकसान बीजेपी को यहां पर हो सकता है, या फिर बीजेपी ने ये जो नुकसान होना है वो पहले से ही सोच रखा है और उसको मैनेज करने के लिए भी बीजेपी के पास कोई ना कोई दाव होगा? बीजेपी के लिए इतना संभावित नहीं था कि राहुल कस्वा बीजेपी छोड़कर कांग्रेस जा सकते हैं। ये जिस तरह से वर्तमान परिस्थिति चल रही है उसमें कांग्रेस से जब अधिकांश नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो बेहद कम बात थी कि राजस्थान में ऐसा कोई एमिनिटी हो जो बीजेपी ज्वाइन करे, बीजेपी से कांग्रेस में ज्वाइन करे। लेकिन देखिए राहुल कस्वा का मामला अलग है। राहुल कस्वा के मामले में ऐसा नहीं है कि पार्टी ने फिर से कोई बातचीत नहीं की या कोशिश नहीं की। बाकायदा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई, सीपी जोशी को आनंद फानंद में दिल्ली बुलाया गया, लेकिन तब तक हाथ से राहुल कस्वा जो है वो निकल चुके थे जी। और बिल्कुल, तो देखिए बीजेपी ने कोशिश की राहुल कस्वा से बात करने की, लेकिन टिकट नहीं मिलने की वजह से वो इतने ज्यादा नाराज है।